क्या आपने टमाटर आलू को एक साथ उगते हुए देखा है? नहीं, तो आज हम आपको दिखाते हैं खेती की एक ऐसी तकनीक जिसमें जड़ें तो आलू की हैं लेकिन पौधा टमाटर का लगा हुआ है। इस प्रकार की खेती से कम जमीन में ज्यादा फसल उगाई जा सकती है। इसे ग्राफ्टिंग तकनीक कहा जाता है जिसका इस्तेमाल रायपुर में किसान कर रहे हैं। आज हम पाटन के चंगोरी गांव में मौजूद हैं, जहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी खेती के बारे में जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप देख सकते हैं जो यहां पर जड़ है वो उसमें आलू उगाया गया है और यहां जो ये फूल से दिख रहे हैं उसमें टमाटर की खेती की गई है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मित्तुल कोठारी मौजूद है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो आइडिया है वो कहाँ से आया? तो जब हमारे प्रदेश में आलू की भी अच्छी खेती होती है मेन पाट क्षेत्र में, सरगुजा संभाग में, पूरे बिलासपुर संभाग में, और टमाटर की भी खेती होती है, तो हमें आइडिया आया कि क्यों ना इन दोनों फसलों को एक साथ लिया जाए, जिसमें नीचे आलू होगा ऊपर टमाटर होगा। तो ये हमारे ट्रायल्स का दूसरा साल है। मैं आपसे जानना चाहूंगी आलू का जो टाइम है वो अलग है, टमाटर को उगाने का टाइम अलग है, तो इसको मैच कैसे किया जा सकता है? छत्तीसगढ़ का जो तापमान और जो यहाँ का जलवायु है, इसमें एक ही समय में टमाटर और आलू होता ही है। जैसे अभी अक्टूबर में हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में आलू की सोइंग चालू हो जाती है और अक्टूबर में टमाटर भी लगाया जाता है,